हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राज पटेल, मैं गुजरात राजकोट सिटी से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लेडीज की जो सबसे बड़ी समस्या है, लेडीज का जो कान का छेद है वो हैवी ज्वेलरी पहनने से या उम्र के हिसाब से या इम्बेलेंस की वजह से वो काफी लंबा हो जाता है, काफी चौड़ा हो जाता है, कभी कभी वो नीचे से पूरा कट जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो समस्या है उसको बिना टाका लगाए कान का जो छेद है उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो आज हम देखेंगे, ये मेरे पास मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का पूरा किट है। एक किट में ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का जो छेद है उसको ठीक किया जाता है। तो इसका पूरा प्रोसेस है वो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। एक किट में से ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का छेद कैसे ठीक करते हैं वो देखते हैं। ये जो किट है उसको हम पहले ओपन कर लेंगे। ये किट में पूरा सब चीज साथ में दिया गया है। इसमें ये ईयर पेस्टिंग लोशन है, ये वुडन स्टिक है, एंटीसेप्टिक लिक्विड दिया गया है, डॉक्टर टेप दिया गया है और ये कॉटन ब्रश है। ये जो बेंजी है उसका जो कान का छेद है वो काफी बड़ा हो चुका है। ये बेंजी का जो कान का छेद है वो काफी बड़ा हो गया है, काफी चौड़ा हो गया है। इसको हम आज ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कैसे ठीक करते हैं वो आपको दिखाएंगे। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले अपना जो हैंड है उसका हाइजीन का पूरा ख्याल करेंगे, इसीलिए हम अपने जो हाथ है उसे में हैंड ग्लोव्स पहन लेंगे। हैंड ग्लोव्स पहनने के बाद हम अपना हाथों में सैनिटाइजर डाल के ऐसे साफ कर देंगे। फिर ये जो कान का छिद्र है उसको हम एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाकर इसका अच्छे से सफाई कर देंगे। ये जो कान का छिद्र है उसमें हम ऐसे एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाकर अंदर की तरफ से सफाई कर देंगे, ताकि उसके अंदर कोई डस्टिंग हो तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। आगे से भी सफाई कर लेंगे और पीछे से भी सफाई कर लेंगे। फिर हम उसको ऐसे ड्राई कर लेंगे। सफाई हो जाने के बाद हम इसके ऊपर ईयर पेस्टिंग लोशन को अप्लाई करेंगे। इसके लिए पहले हम ये जो ईयर पेस्टिंग लोशन का बोतल है उसका ढक्कन सावधानी से ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये जो वुडन स्टिक है उसको हम एक बोतल के अंदर की तरफ ऐसे डुबाएंगे और बाहर निकालने से पहले इसको हम अंदर की सरफेस से ऐसे डिप कर देंगे, ताकि उसके ऊपर जो ज्यादा मात्रा लोशन की आ चुकी है वो कम हो जाए। अब ये वुडन स्टिक की मदद से ये जो कान का छिद्र है उसके अंदर के हिस्सों में ऐसे हम क्लॉकवाइज लगाएंगे और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज का लगाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। ये ईयर पेस्टिंग लोशन लगाने के बाद इसको हम 2 मिनट तक सूखने देंगे, ताकि ये जो दवाई लगाया है वो छेद के अंदर के हिस्सों में एब्जॉर्ब हो जाए। और 2 मिनट के बाद हम इसके ऊपर डॉक्टर टेप लगाकर ड्रेसिंग कर देंगे। ऐसे हम डॉक्टर टेप लगाकर ऐसे ड्रेसिंग कर देंगे। आप देख सकते हो ये बेंजी है उसका जो कान का ईयर पेस्टिंग का जो ट्रीटमेंट है वो संपूर्ण हो चुका है। आफ्टर 15 डेज इसका कैसा रिजल्ट मिलता है वो हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। हमारे साथ ये वीडियो में बने रहे। तो आज हम देखते हैं ये जो बहन जी है उसने आज से लेकर 15 दिन पहले हमारे पास ईयर पेस्टिंग का ट्रीटमेंट करवाया था। ये बहन जी है वो हमारे पास आप बिफोर 15 डेज ईयर पेस्टिंग का ट्रीटमेंट करवा के गए थे। ये जो बहन जी है वो हमारे पास ईयर पियर्सिंग करवाने के लिए आए हैं। और तो साथ में हम देख लेते हैं कि ये जो हमने ट्रीटमेंट किया था उसका कैसा रिजल्ट रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो बहन जी है उसका जो कान का छेद है, ये कान का जो छेद है वो बहुत अच्छी तरह से जुड़ चुका है। आप देख सकते हैं ये जो इसका पूरा कटा हुआ जो लंबा ईयर का जो छेद था ये कम्प्लीटली हीलिंग हो गया है। अब हम इसके ऊपर ईयर पियर्सिंग करेंगे
और ये ईयर पियर्सिंग करने के लिए पहले हमको जहां पर ये ईयर पियर्सिंग करना है उसके लिए हम एक मार्क बना लेंगे। तो वैसे ये जो ईयर का जो हिस्सा होता है, ये जो लोब होता है, उसमें हम एक ईयर पियर्सिंग के लिए मार्क बना लेंगे। फिर हम ये ईयर पियर्सिंग गन की मदद से उसमें हम नया छेद बनाएंगे। ये ईयर पियर्सिंग गन है उसको पहले हम लोड कर लेंगे। लोड करने के लिए ये जो उसका पॉइंट है उसको पीछे की तरफ खींचना है। तो ये अपना जो ईयर पियर्सिंग गन है वो लोड हो चुका है। लोड करने के बाद हम इसको जो ईयर पियर्सिंग के लिए जो हमें स्टड चाहिए, ये जो स्टड है उसको हम ये ईयर पियर्सिंग गन में फिटिंग कर लेंगे। ये ईयर पियर्सिंग गन है वो लोड हो चुका है। अब हम इसकी पियर्सिंग करने जा रहे हैं। तो हम ये जो कान का जो हिस्सा है, इसका जो ईयर लोब है, उसमें हम ये रीपियर्सिंग करेंगे। रीपियर्सिंग करने के लिए हमने यहाँ पर ये मार्क बनाया हुआ है। पहले जो ये कान का जो लोब है, ईयर का जो लोब है, उसको हम ऐसे उसको नीचे की तरफ इसको खींच कर रखेंगे। फिर ये जो ईयर पियर्सिंग गन है उसका अंदर का जो स्टड हमने लगाया है उसका हम ये जो निशान किया हुआ है उसी के साथ निशाना लगाएंगे। निशाना लगाने के बाद हम पियर्सिंग करने के लिए ये जो लोड किया हुआ ईयर पियर्सिंग गन है उसको हम रिलीज करेंगे। ईयर का जो लोब है उसमें रीपियर्सिंग हो जाएगा। ये ईयर पियर्सिंग गन है उसको अनलोड करके इसका पियर्सिंग करने जा रहा हूँ। तो ये मैं ये जो गन है उसको अनलोडिंग कर रहा हूँ। ये मैंने अनलोडिंग कर दिया है। आप देख सकते हो ये जो पियर्सिंग है वो अच्छी तरह से हो चुकी है। ये बेंजी है उसका ईयर का जो लोब है उसमें हमने दूसरी ज्वेलरी पहना दिया है। ये जो बेंजी है उसका ईयर पेस्टिंग का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है और साथ में हमने इसका ईयर का पियर्सिंग यानी कि इसमें दूसरा छेद बनवाने का ट्रीटमेंट भी कर दिया है। तो पेशेंट को पूछते है कि आपको ये ट्रीटमेंट में क्या राय है। बेंजी आपको ये ट्रीटमेंट कैसा लगा? अच्छा लगा। ठीक है, आप अपनी सहेली को बताएंगे ट्रीटमेंट करवाने के लिए? बताएंगे। ठीक है, और आपको ये ट्रीटमेंट के दौरान कोई दर्द वगैरह कुछ हुआ? नहीं। कुछ नहीं हुआ। आप ये ट्रीटमेंट करवाना चाहेंगे? आप ये ट्रीटमेंट से खुश है? बहुत खुश है। ठीक है, ये जो पेशेंट है वो अपने ट्रीटमेंट से बहुत खुश है। उसको रिजल्ट भी मार्वेलस रिजल्ट मिला है। अगर आप भी ये ट्रीटमेंट करना चाहते हो या आपको भी ये ट्रीटमेंट के दौरान कोई क्वेरी हो, आपको ये ट्रीटमेंट के लिए कोई इंक्वायरी करना है या ट्रीटमेंट के लिए कोई क्वेरी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते है। नीचे दिए गए हमारा जो मोबाइल नंबर है उसी में आप कॉल करके हमारे से बात कर सकते है। यदि आप ये प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते है तो मेरे पास से आप परचेस भी कर सकते हो। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपका शुक्रिया। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।